अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद नूर हुसैन और आज हम करेंगे बात प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे इंग्लिश प्रेसी 2021 के बाद कि बहुत मुश्किल पेपर था और ख़ास तौर पर जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं उनको हम कहाँ से प्रिपेयर करें। तकरीबन डेली मुझे एक ना एक मैसेज इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड रिसीव होता है। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ और उसमें इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन की एक बेसिक स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट मैंने इस तरह किया था ताकि जो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है वो इन्हेंस हो सके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसमें मैं एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसकी थोड़ी बेहतर जो है वो कर सकते हैं तैयारी और अपनी जो डिफरेंट वीकनेसेस हैं इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन को उनको कैसे मास्क कर सकते हैं और दूसरी चीज़ ये कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि आप प्ले जिन पे कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन का जो 2021 का पेपर है उसको थोड़ा सा देखेंगे और उस पर ही हम बात करेंगे क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल था और ज़्यादातर को जो पेपर था दे फाउंड इट रियली डिफिकल्ट to solve. So we will take that as a starting point and we will see how we can prepare English pressing composition and what should be the strategy. Dekhiye, English pressing composition ka jo paper hai, we need to deconstruct it. Hum usko part by part dekhte hain. Mostly aap isme in cheezon ko jante honge, lekin bahut se aap mein aise bhi honge jo isse aware nahi honge. तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा और हम थोड़ा हर पार्ट को थोड़ा उसका एनालिसिस करेंगे कि हम किस तरीके से पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना हो तो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप उसको डीकंस्ट्रक्ट कर लें डिफरेंट पार्ट्स में और फिर पार्ट बाय पार्ट उस चीज़ को एनालाइज करें, उसको ब्रेक डाउन करके और फिर उनका सोल्यूशन ढूंढें रादर देन के पेपर एज अ होल। अब ये इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का 2021 का एक पेपर है और उसका ये MCQs का पेपर है और MCQs में हमें पता है कि एक आता है सिनोनिम्स और एक आता है एंटोनिम्स। 20 मार्क्स का टोटल ये होता है और उसमें से 10-10 मार्क्स के ये दोनों होते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे प्रिपेयर करें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है इनको लेके आता है सिनोनिम एंटोनिम्स को और 2021 के पेपर ने ये प्रूव कर दिया है कि ये प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप GRE के वर्ड्स कर लें, 500 या 1000 वाली लिस्ट कर लें तो आपका सारे का सारा प्रिपेयर हो जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये जो अप्रोच है GRE वाली बड़ी क्यूबसम लगी। मैंने भी करने की कोशिश की पर आई कैन रिटेन द वर्ड्स। इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं क्योंकि जो आपकी वर्ड्स आपके वोकैबुलरी की मेमोरी है वो यूजेज से बिल्ड होती है और वो जब तक कि आप खुद यूज नहीं करेंगे डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट सिचुएशन में तब तक आप उसको इंटरनलाइज नहीं कर सकते और उसको आप खुद भी उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होता है कि जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स आते जाते हैं और उन वर्ड जो भी वर्ड आता है उसको हम एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं तो फिर उस वर्ड का जो मतलब है क्योंकि एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं पीछे के वर्ड्स के आगे के वर्ड्स और ओवरऑल पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में तो उसका मीनिंग रीइंफोर्स हो जाता है। इसलिए दैट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, वो हमारे जहन में जो है ना वो इजीली आ जाता है। लेकिन ऐसे अगर आप लिस्ट याद करेंगे उस तरह रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये कि टाइम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है CSS में। आप हो सकता है बहुत मेहनत करें पर एक सवाल ये है कि क्या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। क्या आप वो सारा टाइम दे के इसमें से 5 भी ठीक करते हैं लेकिन आप कोई 3 हफ्ते लगा चुके हैं उसमें आप एक पूरा सब्जेक्ट शायद प्रिपेयर कर सकते हैं। इज इट वर्थ इट कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत एक ऐसी चीज़ पे करें जिसका जो
मेहनत है इट्स नॉट प्रोपोर्शनल टू द आउटकम. तो मेरी अपनी लॉजिक ये थी कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट एंड आई शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम इस पे. अगर तो मेरे पास टाइम बचा तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन वैसे मैं नहीं करूंगा. अब आप ये देखें कि जो 2021 का पेपर है जो इस वक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर आप वर्ड्स देखें, ये इतने मुश्किल वर्ड्स हैं कि इसमें से 80-90% का मतलब किसी को भी नहीं आता था. ये देखें, डिफेनेस्ट्रेशन, ये वर्ड्स भी थोड़े से छोटे आ रहे हैं. विस्क्रल है, डेरिग्नेटेड है, ब्रिकोलेज है, डिमर्ग है, एलुवियल है. अब ये इस किस्म के वर्ड्स हैं जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि 80-90% लोगों को नहीं आते होंगे. इनफैक्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ह्यूमन क्राई भी हुआ कि ये किस किस्म के वर्ड्स हैं. अब वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बात ये कि वोकैबुलरी का टेस्ट है तो वो कुछ भी हो सकता है. आप ब्लेम तो नहीं कर सकते कि मुश्किल है या आसान है. बट वॉट यू कैन डू इज कि आप अपनी तैयारी को जो है इस तरह से स्ट्रीमलाइन करें कि इसको जो है वो आप सबसे एंड पे रखें. एटलीस्ट मैं ये एडवाइस देता हूँ, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है. इससे बेहतर भी कई लोगों के पास स्ट्रैटेजीज होंगी इसको प्रिपेयर करने की. बट आई वुड सजेस्ट कि आप उधर से सीएसएस के प्रेसी की तैयारी स्टार्ट करें, जो सबसे सर्टन पार्ट्स हैं जो कि आने ही आने हैं. आपको नहीं पता कि 20 वर्ड्स कहाँ से आएंगे, और आप उस 20 मार्क्स में से 10 लेने के लिए, 12 लेने के लिए पता नहीं कितनी डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की जो है वो आप मेहनत करेंगे. तो मेरा अपना मशवरा यही है कि करें ज़रूर, पर इसको प्रायोरिटाइज करके बाद में करें. फिर जो अगला क्वेश्चन होता है एमसीक्यू उसके बाद प्रेसी कॉम्पोजिशन में, वो होता है प्रेसी का. प्रेसी के 20 मार्क्स होते हैं, और 20 मार्क्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर में प्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कई लोग तो ये तक कहते हैं कि अगर आप प्रेसी में फेल हैं तो सब में फेल हैं. वाइल आई डोंट एग्री विद दैट, बट स्टिल डूइंग द प्रेसी प्रॉपरली इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज इट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन. एंड इसलिए इसको इस पे सही मेहनत करें आप इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पे. इंग्लिश प्रेसी वाला जो पार्ट है, प्रेसी के अपने रूल्स हैं, उस पर फिर भी कभी बात हो सकती है. इस वक्त हम प्रेसी इटसेल्फ को तो नहीं देख रहे, लेकिन हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि 20 मार्क्स, इसके 20 मार्क्स हैं, और ये 1/5 ऑफ द होल इंग्लिश प्रेसी बनता है पेपर. तो 1/5 ये एक चीज़ है, और इसको आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जहाँ आप जितनी मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड भी उतना ही आपको मिलेगा. ये इसकी गारंटी है, क्योंकि इसके ऐसे रूल्स हैं. आपने इसको 1/3 में करना है, इसको जिस तरह से आपने कन्वर्ट करना है 1/3 में, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है. आप इसमें से कौन से एक्सट्रैक्ट करते हैं सेंटेंसेस, कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, मेन आइडियाज लेते हैं, और उसको जो है वो 1/3 की फॉर्म में कर देते हैं. और असल चीज़ ये है कि ये आप किसी भी पैराग्राफ को कर सकते हैं, किसी भी रिटन उसको कर सकते हैं, ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल है. इसलिए आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि मैंने प्रेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, और इसको मैंने प्रॉपर मास्टर करना. आप ये ज़रूर जहन में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रॉपर मास्टर करना है, इसके रूल्स को मास्टर करना है. इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे एंड पे आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा नंबर्स में. तो जो आपने मेहनत वहां से स्टार्ट करनी थी सिनेमैटिज्म से, वो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, और इसके रूल्स समझेंगे कि इंपॉर्टेंट आइडियाज लेना होते हैं, फैक्ट्स को आपने ओमिट कर देना होता है, और आपने उन इम्पोर्टेंट आइडियाज को लेके अपनी एक 1/3 जो है वो प्रेसी बनानी होती है. फिर आपने एक अच्छा सा टाइटल देता होता है. अब यहाँ पे अक्सर आई डोंट थिंक टाइटल के मार्क्स लिखे होते हैं, मे बी पुराने पेपर्स में कहीं हो, पर कहा जाता है कि 5 मार्क्स टाइटल के भी होते हैं. तो देखिए, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से मे बी यू कैन गेट
10, और ये भी मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी भी नहीं की, बहुत बुरी भी नहीं की, लेकिन मुनासिब की, तो मे भी आपके 9 भी आ सकते हैं 20 में से, पर चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 आ गए आपके, तो दैट इज अ रीजनेबल फिगर। कोशिश करें कि इस पे आपने मेहनत करनी है और इसको प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि तो इसमें जो आपने मेहनत की होगी वो एंड पे दैट विल डायरेक्टली पे ऑफ इन योर पेपर। अगली चीज है कंप्रीहेंशन, ये भी हर प्रेसी के पेपर में आती ही आती है, एंड इट इज अगेन 20 मार्क्स। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे वो आपकी एबिलिटी टू रीड दिस पैराग्राफ और दिस पैराग्राफ्स या एक पैराग्राफ या जो भी वो एक रिटन मटेरियल देंगे आपको, क्या आप पढ़ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड इट, कैन यू कंप्रीहेंड इट, कि उसके अंदर बातें क्या हैं, उसमें सटल आइडियाज क्या छुपे हुए हैं, क्या इम्प्लाइड आइडियाज हैं, किस तरह से चीजें आपस में कनेक्ट हो गई हैं। तो वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें टेस्ट करेंगे थ्रू दीज 5 क्वेश्चंस। अब 20 मार्क्स हैं, ये फिर 1/5 ऑफ द कंप्लीट पेपर बनता है, तो इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आप ये देखें कि प्रेसी और कंप्रीहेंशन को मिला के 1/5 टोटल, तो ये 2/5 ऑफ द पेपर बन गया आपका। और ये 2/5 ऑफ द पेपर है, ये दोनों चीजें जो कि तकरीबन आधा आपका बनता है, बिकॉज इट्स 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो डोंट टेक दिस कॉम्प्रिहेंशन लाइटली, ये आपने प्रॉपर प्रिपेयर करनी है, आपने इन क्वेश्चन को समझ के करना है, आंसर अपना ब्रीफ लिखना है और बहुत लेंथी नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, और जहां पे आपको लगे वहां पे उसको रोक देना है। जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए आपने उसको ही जवाब देना है और कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी। इस पर फिर भी कभी बात हो सकती है इसकी टेक्निकलिटीज पे कि कंप्रीहेंशन जो है वो अटेम्प्ट कैसे करनी है, लेकिन आइडिया बीइंग के इसको आपने प्रैक्टिस करना है। ये चीज ना सोचें कि कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, कंप्रीहेंशन की डेफिनेटली जो है वो प्रैक्टिस हो सकती है, और अगर आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी आपको अच्छे नंबर दे सकता है। अच्छा लिखा हुआ आंसर आपको 4 में से 3 मार्क्स जो है वो दे सकता है। अगर आपने एवरेज में लिखा होगा, जो आइडिया वो समझना 4 आए हर क्वेश्चन में वो देंगे, तो आपको 2 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं। तो 2 आउट ऑफ 4 का मतलब ये है कि अगर आपको 5 के 5 में से 2 आउट ऑफ 4 मिले तो आपके 10 आ सकते हैं, या थोड़ा सा कहीं अच्छा लिखें 12 भी आ सकते हैं। इसलिए कंप्रीहेंशन की बहुत प्रैक्टिस करें। ये कंप्रीहेंशन वो चीज है जो कि बड़ी मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल इन द सेंस कि जो उसने आइडिया पूछा है, अगर आप वो सही तरह एक्सट्रैक्ट करके उस आंसर के जवाब में उसको बता देते हैं कि ये कह रहा है, और बेहतर तरीके से अच्छी कंसाइज इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, वो बस उस एक आइडिया को ही ढूंढ रहा होगा, टेस्ट कर रहा होगा, एंड ही विल गिव यू द मार्क्स डायरेक्टली, उसमें कुछ नया आपने ऐड नहीं करना। तो इस पर भी बड़ी मेहनत करें, और कॉम्प्रिहेंशन मेरी नज़र में इसमें अगर जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इट विल रिवॉर्ड यू बहुत ज़्यादा इन प्रोपोर्शनल टू प्रेसी एज वेल। प्रेसी में हो सकता है कि आपकी प्रेसी इतनी पसंद ना आए उनको, कोई भी वजह हो सकती है, पर इसके अंदर पसंद ना पसंद से ज्यादा ये एबिलिटी देखी जा रही है कि क्या वो आइडिया एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बड़ा डायरेक्टली रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा और चीजें टेस्ट नहीं हो रही सिवाय योर एबिलिटी टू फाइंड एन आइडिया एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। ये एक बड़ी रिवॉर्डिंग चीज है, इसलिए कंप्रिहेंशन भी बहुत आपने इस पर फोकस करना है। इसको जरूर डिफरेंट बुक्स में अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेंडन मार्टिन या कोई भी आपको ऑनलाइन भी पैराग्राफ्स मिलते हैं, वो जरूर करें। ये तो चीजें करने के बाद आप 40 मार्क्स कर चुके हैं, तो आपने उन 40 मार्क्स को प्रिपेयर करना है। हम एमसीक्यूज को भी ऐड नहीं करें। सेंटेंस करेक्शन हर दफा आता है, और सेंटेंस करेक्शन वो चीज है जहां पे आपकी सेंस ऑफ जो ग्रामर है, सेंस ऑफ ग्रामर, ठीक है, वो डायरेक्टली टेस्ट होगी।
आपको रूल्स आते हैं कि नहीं आते ग्रामर के, और आप क्या उनको इन डिफरेंट सेंटेंसेस में ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं। ये हर दफा क्वेश्चन आता है, और ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स का भी आ जाता है, ये 10 का भी आ जाता है। प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स चेंज नहीं होते, लेकिन सेंटेंस करेक्शन के मार्क्स चेंज होते रहते हैं। ये आपने बहुत सही प्रिपेयर करना है, और इनको प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आपने ग्रामर को मास्टर करना है, इंग्लिश ग्रामर को बहुत सही तरीके से करना है, क्योंकि जो ग्रामर है ना, वो करने के बाद ही आप सेंटेंस करेक्शन कर सकते हैं। इस पे आपने मेहनत करनी है, और यहां से आपने नंबर निकालने हैं। अच्छी चीज ये है कि इसमें जनरली चॉइस होती है, 8 दिए हुए होते हैं, ये देखें आप, उसमें से आपने 5 करने हैं। तो अगर आपने ग्रामर सही प्रैक्टिस की भी होगी, तो आपके लिए कोई 5 एक्सट्रैक्ट करना बीच में से कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस वजह से आपने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ग्रामर को आपने सही तरीके से प्रिपेयर करना है, और इसमें से आपने डेफिनेटली 5 में से 3 या 4 तो ठीक करने ही करने हैं। ये आपका वो पार्ट है जो आपने नहीं छोड़ना, और इसको करने का तरीका ये नहीं है कि आपने बस सेंटेंसेस कुछ कर लिए, इसको करने का तरीका यही है कि आपने अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है, फाउंडेशन बनानी है, और फिर आगे चलना है। फिर पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन जो है, ये भी हर दफा आती है, कभी ये 10 की भी आ सकती है मार्क्स की, कभी 5 की भी आ सकती है, लेकिन आती ही आती है। यहां से भी आपने नंबर लेने हैं। अब पंक्चुएशन इज वेरी इजी और प्योरली मैथ्स की तरह है। इसमें कोई जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होता कि मे भी यहाँ आ सकता है, मे भी यहाँ नहीं आ सकता। इट्स 110% लाइक मैथ्स, लेकिन प्री रेक्विजिट यही है कि आपने ग्रामर सही तरीके से पहले प्रिपेयर की हो, क्योंकि ग्रामर जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत से ऐसे रूल्स पता चलते हैं अकॉर्डिंग टू विच जो है ना, वो फिर आप पंक्चुएशन करते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनमें कॉमास आ रहे होते हैं, जैसे कंपाउंड सेंटेंस है उसमें बीच में कॉमा आता है जहां पे 2 क्लॉजेस के बीच में। इसी तरह जो है वो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में कॉमा आता है। तो अगर आप इस पैराग्राफ में उस चीज को नोट ही नहीं कर सकते कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको कैसे समझ आएगा कि कॉमा कहाँ पे लगाना है? तो वो चीज बुनियादी चीज है, ग्रामर को समझना और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना, ताकि आपको ग्रामर की समझ आए। जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप समझ लेंगे, आप फ्रेजेस समझ लेंगे, फ्रेजेस समझ लेंगे, क्लॉजेस समझेंगे, आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं उनके बाद भी जनरली कॉमा आता है, वो आप जब देखेंगे आपको समझ आएगी। जैसे प्रपोजिशनल फ्रेज है, इस तरह कई जो हैं वो फ्रेज होते हैं जिनके बाद कॉमा आता है, तो वो चीजें आप समझेंगे तो फिर आप इसको डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। वो बड़े लिमिटेड से रूल्स हैं, वो आपने एक दफा समझ लिए, आपने इसका एनालिसिस करेंगे और बड़ा इजीली आप समझ लेंगे। फिर उसके बाद कोटेशन के रूल्स हैं कि जो कोई बोलता है तो जी कोटेशन मार्क्स आएंगे, कहाँ से कॉमा आएगा, वो थोड़े बहुत रूल्स हैं, वो भी आप समझ लें। और जिस चीज से यहाँ पे कॉमा आएगा, ऊपर कॉमा डबल आएगा, कोटेशन मार्क आएगा, और फिर आगे टेक्स्ट आएगा, इस किस्म की कुछ चीजें वो आप बाद में सीख लें। लेकिन पहले इसमें ऑर्डर ये है कि आपने ग्रामर सीखनी है, ग्रामर के बाद आपने दूसरे कोटेशन मार्क्स के रूल्स जो है वो सीख लेने हैं। तो इस तरह जो है ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इसको भी आपने 110% प्रिपेयर करना है, इसको नहीं छोड़ना। इसमें भी जो आप मेहनत करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड रिजल्ट के, आपको उसमें कभी कोई डिफरेंट चीज नजर नहीं आएगी कि आपने प्रिपेयर कुछ और किया था लेकिन अब आपसे नहीं हो रहा, इसमें 100% हो जाएगा। इसमें भी आपने कम से कम जो है वो 60% मार्क्स लेने हैं, और 3 आउट ऑफ 5 लें या 6 to 7 out of 10 लें, कम से कम इतने मार्क्स आप लें, इसको भी आपने सही प्रिपेयर करना है, और वो प्रिपेयर हो सकता है। फिर प्रपोजिशंस आते हैं टाइम एंड अगेन, कभी कभी नहीं भी आ सकते लेकिन आ भी जाते हैं, और प्रपोजिशंस आर क्वाइट इजी, इनके कोई खास रूल्स नहीं होते, पर
बहुत से प्रेपोजिशन के रूल भी होते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको बता सकती हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, उनके उन्होंने थंब रूल्स बनाए हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इनको समझना। इसमें भी देखें आपको चॉइस मिल रही है 5 out of 10 करने हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर की हो तो वो चॉइस में बड़ा इजीली मैनेज हो जाती है, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर ना किया हो तो फिर आप नहीं कर सकते। प्रेपोजिशंस को भी आपने 100% अपना देना है, 100% इस पर आपने अपनी मेहनत करनी है, इसको प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें, ब्रेनन मार्टिन या दूसरी बुक्स में सॉल्व करते रहें, और दूसरा उसमें जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं उनको आप समझ लें, ताकि आपको इन एट ऑन इनका फर्क समझ आए और आप वो ईजिली कर सकें। और अक्सर इसी किस्म के जो है वो कंफ्यूजिंग ही पूछे जाते हैं, जब आप वो एक दफा उससे गुजर जाएंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, और ये भी 5 marks आपके इसमें से 3 या 4 जो है वो आने चाहिए, और ये बिल्कुल मैथमेटिकल मार्क्स हैं, इस पर आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपके 100% आएंगे। आप ये देखें कि CSS 2020 में रिलेटिवली ईजी पेपर था, खास तौर पर सिंगम एंड नंबरी, तो लोगों के 80s में भी मार्क्स आए हैं जो कि बहुत ज्यादा है, और काफी सारे लोगों के 70s में भी हैं, 80s में भी हैं। फिर ये एक ऐसी चीज है ट्रांसलेशन जो कि हर दफा आती है, और ट्रांसलेशन 10 marks की ही आती है, और इसमें वो आपकी जो सिंटैक्स और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जो एक एबिलिटी है उसको वो टेस्ट करते हैं कि आप एक आइडिया को अंडरस्टैंड करके उर्दू में कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, कि आप उसको एडियोमेटिकली करें या आप उसे लिटरल ट्रांसलेट करें। तो इसको आपने एडियोमेटिकली करना है, मीनिंग्स को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी, एडियोमेटिकली करनी है, और इसको आपने प्रिपेयर करना है। ट्रांसलेशन की ऐसी बड़ी अच्छी छोटी छोटी बुक्स मिल जाएंगी आपको, और उनकी प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल देखें एट द स्पॉट करने वाली चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ट्रांसलेशन पे भी 100% आप फोकस करें, और इसमें से भी आपने मार्क्स लेने हैं। ये सारी इस वक्त मैं आपको वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिन पर अगर आप फोकस करें तो आप डेफिनेटली बहुत मार्क्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं जो प्रॉब्लम एरियाज हैं। अब ये CSS 2020 का चूँकि हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, अब पेयर ऑफ वर्ड्स इस दफा 10 marks के आ गए, कभी कभी 5 के भी आ जाते हैं, 5 के ये आ जाएंगे, 5 के idioms आ जाएंगे, और ये वो चीज है जो बहुत लोगों को परेशान करती है। अब देखिए ये 5 का हो या 10 का हो, लेकिन ये 10 के तो ये आते ही हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स प्लस idioms, इसलिए ये आपके जहन में रखना है कि ये भी बहुत अनप्रडिक्टेबल एरिया है, और ये सबसे ज्यादा जो है वो लोगों को परेशान भी करता है। अब देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। हमने अब तक वो बात की कि जो एरियाज हैं जिनके आप प्रिपेयर जो सही तरह प्रिपेयर करें, अब वो दोबारा आप देखें अगर एरियाज कौन से हैं फोकस करने वाले। सबसे पहले प्रेसी आपने फोकस करना है, 20 marks का है, 1/5 बनता है पूरे के पूरे पेपर का। कंप्रिहेंशन पे आपने फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो है ट्रांसलेशन 10 marks की आती ही आती है, आपने उस पर फोकस करना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे ही 50 marks का पेपर कर चुके हैं, और 50 marks के पेपर में से अगर आप 50% marks भी लेते हैं तो आपके 25 marks हो चुके हैं। अब हमें पास होने के लिए 40 marks चाहिए आउट ऑफ 100, तो उसमें से अगर आप 25 ले चुके हैं तो आप यू आर क्वाइट नियर टू गेटिंग पास। तो इन पे आपने इसलिए फोकस करना है, ये हर दफा आप एट द स्पॉट आपने वो चीजें जो आप कर सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस। फिर सेंटेंस करेक्शन पे आपने फोकस करना है, दिस इज रिलेटेड टू ग्रामर, और पंक्चुएशन पे फोकस करना है। अब सेंटेंस करेक्शन और पंक्चुएशन, इनका ग्रामर के साथ बहुत लिंक है, और ग्रामर को आपने बड़ा सही तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप इस एरिया को भी कर सकें।
और जब आप ये सही तरह कर लेंगे और इस पे आपकी मेहनत होगी, यू विल हैव टू फाइट फॉर दीज मार्क्स, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रामर के रूल्स होते हैं, जाहिर है आप सारे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने सही तरह ग्रामर की होगी तो फिर आपको इतना इशू नहीं लगेगा, खास तौर पर पंक्चुएशन और सेंटेंस करेक्शन भी 3 से 4 आप ठीक कर सकेंगे। तो इस पार्ट को आपने ऐसे करना है। फिर आपने प्रपोजिशंस पे फोकस करना है, 5 में से 3 100% आपने देने हैं। और फिर या तो नरेशन आ सकती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर एक्टिव पैसा पैसे आ सकता है, पहले पेपरों में आते रहे हैं इनमें से भी कुछ आ सकता है। तो ये वो सारे एरियाज हैं जिन पे आपने खास तवज्जो करनी है। अभी हम उस पर भी बात करेंगे जो दूसरे एरियाज रह गए हैं, क्योंकि वो भी एंड पे आपने प्रिपेयर करने हैं, ये नहीं कि उनको छोड़ देना है, लेकिन इन सारे एरियाज को आपने खुद से समझ के प्रिपेयर करना है कि आपको यस आई नो दिस, आई नो हाउ टू डू दिस, आई नो हाउ टू डू दिस 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 दिस। और जब पेपर आए तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि इनको तो चलो मैं सही तरह कर लूंगा ना, बाकी को बाद में देखूंगा। तो जब आप अपने जहन में पार्टिफिकेशन बनाएंगे ना, तो आप ओवरवेल्म नहीं होंगे कि मुझे एडियम्स नहीं आते, मुझे पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आते और मेंटल नंबर आते। ये एक आपको बहुत बेसलाइन प्रोवाइड कर देंगे कि आपको एक यू विल हैव अ वेरी सेफ स्टार्ट। आपने इधर से तैयारी शुरू करनी है और इन पे फोकस करना है, ये डायरेक्टली आपको रिवॉर्ड करेगा। ये है तरीका आपके पास होने का। अब हम देखते हैं फाइनली जो सबसे डिफिकल्ट लोगों को लगते हैं और जो कि है भी, वो है ये 3 एरियाज। अब इसमें अनप्रडिक्टेबल एरियाज 30 मार्क्स हैं टोटल, जो कि बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं। उसमें सबसे सिनोनिम एंटोनिम्स जो कि 10 मार्क्स के होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स 5 के हो सकते हैं, एडियम्स 5 के हो सकते हैं, या ये एक भी आ सकता है टोटल 10 मार्क्स का, इस तरह भी हो सकता है, या फिर सॉरी ये सिनोनिम एंटोनिम 20 के, पेयर ऑफ वर्ड्स 5 के और एडियम्स 5 के, या इनमें से कोई एक चीज आ सकती है जो कि 10 की होगी। तो इस तरह जो है वो 30 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब ये 30 मार्क्स आपके काफी अनप्रडिक्टेबल हैं और इनको कैसे आपने प्रिपेयर करना है, इसमें भी हायरार्की है। सबसे पहले आपने इसमें एडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। उसमें भी सबसे पहले आप एडियम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एडियम्स आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहले आपने उनमें से करने हैं जो के आपके पास्ट पेपर्स हैं। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मैं आपको वो बता रहा हूँ सिस्टम, यू विल स्टार्ट फ्रॉम पास्ट पेपर्स। हर साल 5, 10, 8 जो भी एडियम्स आए हैं वो आपने करने हैं। वो बहुत आसान होगा, 10 साल 20 साल जितने के आपको पेपर मिलते हैं, 20 साल के आपको मिलते हैं, तो जितने भी वो एडियम्स बनते हैं 200, 300 इतने बनेंगे, उनमें से कई रिपीट हो रहे होंगे, वो आपने कर लेने हैं सबसे पहले। जब वो आप कर चुके हो, देन गो टू सम अदर एरिया। और मैं idioms के ऊपर देख रहा हूँ कि कहीं से कलेक्ट हो जाएं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि जो इम्पोर्टेंट idioms हैं उनकी कोई लिस्ट हो और वो मैं खुद कंपाइल करके या इस तरह करवा के वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट idioms हैं जिनमें रिपीट भी होते हैं वो आ जाएं, ताकि उससे आप कर सकें। लेकिन पास पेपर्स को आपने सबसे पहले एडियम्स को करना है। जब पास पेपर्स कर चुके हो, देन गो टू सम अदर बुक और फिर आपने वो करना है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट वाले एडियम्स आपने पहले करने हैं और फिर दूसरे उस पर जाना है लिस्ट पे। उसमें एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है गालबन, उसमें एडियम्स हैं, वो वाले पहले आप कर लें। और फिर आपने पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ भी यही करना है कि सबसे पहले पास्ट पेपर से करने हैं आपने, और उसके बाद आपने जब ये सारे 20-30 साल जितने सालों के भी आपको मिलते हैं वो आप कर चुके होंगे, तो फिर आपने बाकी करने हैं जो भी आपको लिस्ट मिलती है। लेकिन उससे होगा ये कि कोई ना कोई एक या दो रिपीट होंगे ये पेयर ऑफ वर्ड्स या idioms, और वो होते ही होते। अगर एक एक भी इनमें से रिपीट हो गया तो वो देखें कि आपकी जो एफर्ट है वो बड़ी ही प्रोपोर्शनेट आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, कि 200 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने किए हुए थे, 200 idioms किए हुए थे पास पेपर के, उसमें से एक एक रिपीट हो गया तो आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स मिल गए। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें आपने बड़ी कम मेहनत करके ये 2-3 मार्क्स लिए हैं।
और बाकी जो हैं वो स्टिल दे कैन बी लेफ्ट टू चांस, अगर ऐसे खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन बनती है तो फिर भी यू विल बी मच सेफर। तो इस तरह से आपने इसको भी स्टेप वाइज करना है। फिर आ जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम, इसके लिए भी यही होगा, इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ पास पेपर्स एमसीक्यूज स्टार्ट फ्रॉम देयर, ये करने के बाद देन गो टू सम लेस जीआरई की हो या जो भी, स्टार्ट फ्रॉम पास पेपर्स, उन सबको करके फिर आप आगे जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। और इसमें भी अगर तीन चार भी रिपीट हो जाते हैं या दो या तीन भी रिपीट होते हैं तो दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू, आपको दो तीन मार्क्स बिल्कुल जो हैं वो सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो कि आपने अपनानी है अपने इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में, और बिल्कुल आपने उसको रैंडमली तैयार नहीं करना। जिस तरह से मैंने आपको डिवाइड करके एरियाज बताए हैं, इसी तरह आपने उसको तैयार करना है, और आपने जब वो कर चुके हो तो फिर इनको भी ऐसे प्रिपेयर करना है। इस तरह आप अपनी तैयारी को बड़ा सेफ कर सकते हैं, और इस तरह आप अपनी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से यू कैन पास दिस पेपर। और बहुत ही मुश्किल पेपर लोगों को लगता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यूबीज, ये बात है, क्योंकि इसमें इतने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इतने छोटे छोटे सेक्शंस हैं कि वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि हम किस तरह ओवरऑल तैयार करें। तो आपने उसको इसी तरह ब्रेक डाउन करना है, और मेरा मकसद भी आपको ये था कि आप एक पार्ट को बस देखें, उस पर फोकस करें, उसकी नीड्स को रियलाइज करें कि उससे क्वेश्चन की क्या नीड्स हैं, और फिर जो है ना उसका आंसर करें। आई होप ये आप लोगों को आज थोड़ी क्लैरिटी मिली हो, और इस तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।